बीते दिन गैंगस्टर काला जठेड़ी की मां ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली थी और आज वीरवार को सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम होने के बाद गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मां की अंतिम विदाई पर गैंगस्टर काला जठेड़ी को तिहाड़ जेल से 6 घंटे की परोल मिली थी, जिसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती के चलते काला जठेड़ी को उनके गाँव लाया गया। यहाँ पहुंचकर पूरे विधि विधान के साथ काला जठेड़ी ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर माँ को अंतिम विदाई दी। सर, कल उनकी माता जी का सुबह 11 बजे करीब देहांत हुआ था, उसके बाद उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया गया, उसको उनको डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद हमने कोर्ट में अप्लीकेशन लगाई थी फॉर द लास्ट रिचुअल्स। घर से हमारे को कॉल आई थी कि 4th of July जो कि आज है उनकी अंतिम संस्कार होना है, उसके लिए हमने ऑनरेबल मकोका कोर्ट जो द्वारका पटियाला हाउस कोर्ट में है ऑनरेबल चरणजीत सिंह जज साहब के सामने एप्लीकेशन मूव की थी। उन्होंने सारी चीज़ें देखते हुए ताकि बिकॉज ही इज़ द एल्डर सन इन द फैमिली और सारी जो क्रिया हैं जो रस्में हैं वो सारी एल्डर सन ही करता है घर में, तो उन्होंने 6 घंटे की कस्टडी पैरोल ग्रांट करी थी आज के लिए जो कि सुबह 11 बजे से अभी इवनिंग 5 बजे तक है। देन उसके बाद यहाँ पे उसको सुबह 11 बजे लाया गया, घर पे ले जाया गया। जो सारे रिचुअल्स ही वो घर पे हुई हैं, जो लास्ट रिचुअल्स होती हैं, लास्ट राइट्स होती हैं, उसके बाद यहाँ पे जो क्रिमिनेशन ग्राउंड है, क्रिमिनेशन ग्राउंड में मुख्य अग्नि दी गई उनकी माता जी को और उनको वापस तिहाड़ जेल में भेज दिया। सर, शांतिपूर्ण तरीके से रहा? सब कुछ प्रशासन का बहुत सहयोग रहा, सारा प्रशासन मौजूद था यहाँ पे और सब कुछ शांतिपूर्ण हुआ। सर, सुरक्षा को देखते हुए वापस भेजा गया 5 बजे तक? सुरक्षा को देखते हुए भी और वापस घर पे, ताकि सारी सुरक्षा और सारी चीज़ें, तो एजेंसीज की भी ये थी कि ताकि सारी जो रिचुअल्स है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद अभी उनको वापस तिहाड़ जेल भेज दिया। सर, आपका परिचय? मेरा रोहित कुमार नाम है, मैं एडवोकेट हूँ। सर,